हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस टाइप से अपना बेस मेकअप करती हूँ। आपको पता होगा कि मैं काफी टाइम से आप लोगों के साथ कोई भी मेकअप वगैरह की वीडियो नहीं शेयर कर रही हूँ। एंड जब भी मुझे कोई वीडियो शूट करनी होती है तो मैं किस टाइप से अपना बेस मेकअप करती हूँ, एंड आपकी रिकमेंडेशन आई थी, सो दैट्स वाई हेयर इज द वीडियो कि मैं किस टाइप से अपना बेस मेकअप करती हूँ एंड क्या क्या प्रोडक्ट यूज करती हूँ। एंड जो भी प्रोडक्ट यूज करती हूँ ना, काफी टाइम से यूज कर रही हूँ एंड बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा अफोर्डेबल है, जिन्हें आप इजिली अफोर्ड कर सकते हो एंड अपना बेस मेकअप कर सकते हो, जो काफी टाइम तक स्टे भी करेगा एंड बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस लगेगा। सो या वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे सो यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपको अपना करना है प्रॉपर स्किन केयर, एंड स्किन केयर में ओनली 3 स्टेप होते हैं, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। बस ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। इसके अलावा आप सीरम भी इंक्लूड कर सकते हो, अगर आपके फेस पे पिंपल्स, रेडनेस या इचिंग वगैरह हो रही है तो आप सीरम भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। अदरवाइज मैं सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट ही ज्यादातर यूज करती हूँ। सो क्लींजिंग मैंने कर ली है, एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये गणपति का रोज वाटर एज अ टोनर। यू नो जो रोज वाटर होते हैं ना, वो परफेक्ट टोनर का वर्क करते हैं। 20 रुपीज में भी आपको इजिली बहुत अच्छे रोज वाटर मिल जाएंगे, एंड ये 100 रुपीज का है क्योंकि काफी टाइम तक चल जाएगा, दैट्स व्हाई मैंने बड़ी बॉटल ली है। बट या आप छोटी बॉटल भी ले सकते हो, एंड इट्स जस्ट ऑसम, लाइक बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। एंड लुक एट माई स्किन राइट नाउ, बहुत ही ज्यादा अच्छी हो चुकी है पहले से। नेक्स्ट मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ पे पालवेदी की क्रीम यूज कर रही हूँ, एंड अगर आपने मेरी स्किन केयर वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी मैंने आप लोगों को ये क्रीम सजेस्ट की थी। एंड अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा है, अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ ना, तो उसे मैं यूज करती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो अफोर्डेबल है, एंड दैट्स व्हाई मैंने आप लोगों से सजेस्ट किया है। लाइक इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, एंड अगर आपके ऑयली स्किन है तो आपको इसे ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल भी स्किन में ऑयली नहीं लगता एंड काफी अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है। सो नेक्स्ट प्राइमर के लिए मैं हमेशा पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज करती हूँ क्योंकि स्किन के लिए भी अच्छा होता है एंड काफी अच्छे से पोर्स मिनिमाइज भी कर देता है। सो डेफिनेटली आप ये वाला बाय कर सकते हो, एंड मैंने पिछली वीडियो में भी आपको इसे रिकमेंड किया था। लाइक एक वीडियो जब मैंने मेकअप की कोई शेयर की थी तब भी मैंने आपको यही सजेस्ट किया था क्योंकि इसका रिजल्ट भी अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा है, अफोर्डेबल में इट्स टू गुड। लाइक मैं इसे यूज करती हूँ अपने स्किन केयर में भी, एंड जब मुझे प्राइमर यूज करना होता है सो मैं एज अ प्राइमर इसे ही यूज करती हूँ। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगी ये बेबी लिप्स, एंड मैंने इसे कॉम्बो में बाय किया था, अल्ट्रा अफोर्डेबल, लाइक बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल थी एंड काफी ज्यादा लिप्स हाइड्रेट लगते हैं इसको अप्लाई करने के बाद, काफी टाइम से यूज भी कर रही हूँ। एंड या अगर स्किन केयर वाली भी नहीं देखी सो या हेयर इज द प्रॉपर स्किन केयर, जो भी मैं अपने स्किन केयर में प्रोडक्ट वगैरह यूज करती हूँ, एंड माई स्किन फील सो गुड नाउ। सो अब हम करेंगे अपना बेस मेकअप स्टार्ट। सो फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे ये परसोनी का फाउंडेशन यूज करूंगी, एंड ये 30 रुपीज में आपको इजिली शॉपी ऐप पे मिल जाएगा। ओके, बट ये मेरी स्किन टोन से काफी ज्यादा लाइट है तो इसमें मैं मेबलिन का 340 शेड मिक्स कर रही हूँ। इट्स गुड, कवरेज वगैरह काफी ज्यादा अच्छी है एंड प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे ये वाला ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रही हूँ, जिसे मैंने शॉपी से जस्ट 22 रुपीज में लाइक पूरा पैक बाय किया था। एंड जस्ट लुक एट द कवरेज ऑफ दिस फाउंडेशन, लाइक कितनी ज्यादा अच्छी है, काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगता है ये वाला फाउंडेशन। एंड जब भी मुझे कोई मेकअप करना होता है ना, लाइक आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना होता कोई मेकअप लुक, देन मैं यही वाला यूज करती हूँ फाउंडेशन, क्योंकि इसकी कवरेज काफी ज्यादा सही मिल जाती है, अच्छे से ब्लेंड हो चुका है एंड आपको शेड वगैरह अब एकदम सही लग रहा होगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये मैक का कंसीलर यूज कर रही हूँ, एंड मेरे डार्क सर्कल वगैरह बिल्कुल भी नहीं है तो मुझे ये कंसीलर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लाइक इसकी कवरेज वगैरह बहुत ही ज्यादा इनफ है, ज्यादा हाई कवरेज नहीं है, सो इसलिए मैं इसे यूज करती हूँ। अगर आपके डार्क सर्कल वगैरह ज्यादा है तो आप वो स्विस ब्यूटी वाला कंसीलर यूज कर सकते हो। आई रियली वॉन्ट टू ट्राई दैट, लाइक मैंने उसके बहुत ज्यादा रिव्यूज देखे हैं कि वो बहुत ज्यादा अच्छा है, सो मुझे भी वो वाला ट्राई करना है। अदरवाइज मैं ये वाला ही यूज करती हूँ, मुझे पसंद है क्योंकि मेरे डार्क सर्कल वगैरह इतने ज्यादा नहीं है। एंड सेम मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूंगी, एंड जितना आप फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करते हो अगेन कंसीलर को भी ब्लेंड किया करो। नेक्स्ट हम करेंगे ब्रॉन्जिंग, एंड इसके लिए मैं यहाँ पे ये आईटेक्स डेजर्ट ब्रॉन्जर यूज कर रही हूँ, एंड दिस इज हाउ द शेड लुक लाइक। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो, क्योंकि इससे पहले मैंने एक और वीडियो में इसे यूज किया था क्योंकि मुझे काफी ज्यादा पसंद है एंड मेरे स्किन टोन पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप में से बहुत लोगों ने मुझसे इसका लिंक मांगा था बट ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, ये अभी तक स्टॉक में आ चुका होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर लेना, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। ब्रशेस के लिए मैं यहाँ पे ये 73 वाले लाइक जो शॉपी से बाय किए थे वही वाले यूज कर रही हूँ क्योंकि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एंड काफी अच्छे से वर्क हो जाता है इनसे। सो फटाफट से हम बेस को सेट कर लेंगे क्योंकि अभी फेस बहुत ज्यादा लाइक
सो बेस मेकअप को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे ये मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करती हूँ, जिसे अगेन मैंने शॉपी से 80-60 रुपीज में आई थिंक बाय किया था एंड बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा था उस टाइम भी, एंड शॉपी के प्रोडक्ट मुझे काफी ज्यादा पसंद आए थे एंड इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, रिजल्ट आपके सामने है, कुछ भी नहीं हुआ मेरे फेस पे, मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। सो बिना टेंशन के आप इन्हें बाय कर सकते हो। एंड मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई किया, लाइक अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लिया जाए तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई करके देखना, यू फील लाइक कि आपका बेस मेकअप कितना ज्यादा अच्छे से सेट हुआ है। एंड मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आप अपना बेस मेकअप पहले करो, चाहे आप अपना हैवी आई मेकअप कर रहे हो या सिंपल सा कोई आई मेकअप कर रहे हो, बट बेस मेकअप पहले करो, क्योंकि जब तक आप अपना आई मेकअप करोगे ना तो आपका बेस को टाइम मिलेगा एंड वो काफी अच्छे से सेट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई आपने मेरी बहुत वीडियो देखी होगी, लाइक एक ही वीडियो होगी जिसमें मैंने अपना आई मेकअप पहले किया वो भी मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा अपना बेस मेकअप पहले करती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो बेस मेकअप का रिजल्ट होता है ना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। सो दैट्स व्हाई एंड के लिए मैं यहाँ पे ये मालियों का बेक्ड ब्लशर यूज कर रही हूँ एंड इसमें जो मेरे पास शेड है वो है 02 एंड बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है, थोड़ा थोड़ा अप्लाई करती हूँ, लाइक आप इसे न्यूड मेकअप मेकअप लुक भी कह सकती हो, क्योंकि काफी ज्यादा सिंपल एंड एकदम नेचुरल है। एंड अगर आपको लगे आपका ब्लशर ज्यादा हो गया तो आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको टैप टैप कर लिया करो, वो बिल्कुल सेट हो जाएगा, लाइक बिल्कुल भी आपको स्प्रेड नहीं करना है एंड वो अच्छे से सेट हो जाएगा। एंड मैं बिल्कुल नेचुरल सा ब्लशर हमेशा अप्लाई करती हूँ, मुझे ओवर ब्लशर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेटर के लिए मैं यहाँ पे किस ब्यूटी का गोल्ड हाईलाइटर यूज कर रही हूँ एंड ये वाला मैंने अगेन शॉपी से बाय किया था एंड मैंने इसे रिटर्न नहीं किया, हाँ क्योंकि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था एंड मैं बहुत ही हल्का हल्का हाईलाइटर अप्लाई करती हूँ, मुझे हाईलाइटर भी ओवर बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मैं थोड़ा थोड़ा लाइक नेचुरल सा करती हूँ। हाँ लेकिन जब आपने देखा होगा मेरा बेस कभी कभी हाई होता है वो उस टाइम, क्योंकि जब मैं कोई मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ एंड उसके साथ कोई वीडियो शूट कर लेती हूँ। आईब्रोज के लिए मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का आईब्रो पाउडर यूज करती हूँ एंड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लाइक 160 या 140 रुपीज में, लाइक आप स्क्रीन पे देख लो, इस प्राइस में मैंने इसे बाय किया था। अगर आपको बेस्ट चाहिए तो आप ये स्विस ब्यूटी वाला ले सकते हो, क्योंकि इससे आईब्रोज खराब होने के बिल्कुल भी चांस नहीं होते एंड बहुत ही ज्यादा अच्छे से फील हो जाती है आईब्रोज एंड एकदम नेचुरल लगती है। तो नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी लिप लाइनर एंड इसके लिए मैं यहाँ पे ये ADS का 10 रुपीज वाला लिप लाइनर यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ तो मैं हमेशा लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ एंड अगर आप लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करते हो तो लिप लाइनर जरूर अप्लाई किया करो, क्योंकि उसके बाद लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं फैलती। लिपस्टिक में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है बट मैं यहाँ पे किस ब्यूटी की लिपस्टिक यूज कर रही हूँ, क्योंकि जो किस ब्यूटी की लिपस्टिक होती है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिल जाएगी एंड वो काफी टाइम तक स्टे करती है, स्टिकी फॉर्मूला नहीं होता एंड मैं हमेशा इसको लाइक आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको बेस्ट लिपस्टिक चाहिए ना तो किस ब्यूटी की लिपस्टिक ट्राई करो, इट्स टू गुड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इस टाइप से आप भी अपना बेस मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो अफोर्डेबल प्राइस के प्रोडक्ट के साथ एंड बहुत ही ज्यादा अच्छी है। एंड मैं ज्यादातर इन्हें यूज करती हूँ जब भी मुझे कोई वीडियो शूट करनी होती है एंड अभी मुझे एक वीडियो शूट भी करनी है, सो आप बेस मेकअप देख सकते हो, यही वाला किया है मैंने। एंड या फिक्सर के लिए मैंने यहाँ पे ये हुडा ब्यूटी का फिक्सर यूज किया था, जो क्लिप शूट नहीं हुई क्योंकि मैं कैमरा चलाना ही भूल गई, सो या ये वाला यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप वो मैक वाला भी यूज कर सकते हो जो मैंने आपको हॉल में दिखाया था, दोनों सेम ही वर्क करते हैं एंड दोनों ही काफी ज्यादा अफोर्डेबल एंड बेस्ट प्राइस में है, बेस्ट क्वालिटी में है। ओके सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड या मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।